हेलो दोस्तों, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आज मैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का सेकेंड पार्ट हल कराने वाला हूं, जो कि 1 से लेकर 33 तक क्वेश्चन है, जो आपके आगामी परीक्षाओं में या पूछे जा रहे हैं। आप लोग इसको पढ़ते रहिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, इस गेज का क्या उपयोग है? यह एक आपका गेज होता है, मापने वाला मापक यंत्र होता है। ठीक, इसके द्वारा क्या किया जाता है? ठीक है, गेज को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जाब की आंतरिक त्रिज्या को जांचा जाता है, यानी कि मापा जाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दो, इस रेती का क्या नाम है? जो आपके सामने रेती दिया गया है, इसको हिंदी शब्द में रेती कहा जाता है। अगर इलेक्ट्रिशियन भाषा में कहा जाए तो इसको क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। ठीक, ये फाइल है। इसका क्या नाम है इस फाइल का? ऑप्शन नंबर बी, एकल कट रेती। अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर, इस औजार का क्या नाम है? जो आपके सामने दिखाया गया है, इस औजार का नाम पूछा है, इस औजार का नाम क्या है? आप लोग जानते होंगे इस औजार को क्या कहते हैं, जो क्लास किए हैं उनको पता है। आपका ऑप्शन है बी, आंतरिक कैलिपर होता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है बी, असमान सिकुड़ना। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, मोटाई छेनी का क्या उपकरण है? अगला आपका ऑप्शन है बी, लकड़ी में आयताकार छेद करना। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है बी, हैचेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? ऑप्शन नंबर है डी, हीरा पॉइंट छेनी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है? आपका ऑप्शन नंबर है बी, जेनी कैलिपर्स। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इस ड्रिल बिट का क्या नाम होता है? ऑप्शन नंबर है बी, टैपर शैंक वीट। यह एक वीट होता है, इसका नाम क्या है? टैपर शैंक वीट। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु तो किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है, वर्गाकार स्टेक। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड m 12 × 1.25 में 1.25 नंबर का क्या इंगित करता है? ऑप्शन नंबर है बी, थ्रेड का पिच इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए है, गांठ। जहां पर इसमें टहनियां निकली होती है, जो भी लकड़ी का पेड़ होता है उसमें जो टहनियां निकली होती है वहां पे क्या होता है? एक गांठ बन जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है सी, त्रिभुजाकार रेती। एक त्रिभुजाकार रेती होती है जिसके द्वारा जो आरी का हम लोग प्रयोग करते हैं उसका धार तेज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, यक्ष से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। जो ये जो भाग छूटा हुआ है इसी को यक्ष दर्शाया गया है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर है बी, जिसको हिल कहते हैं। ठीक,
आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। इस औजार का क्या नाम है जो आपके सामने दिखाया गया है, इस औजार का नाम पूछा है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा जेनी कैलिपर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, छेनी में यक्ष द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है, जो यह इसका केंद्र है इसी के बारे में पूछा गया है, इसका नाम क्या है? ठीक, एक्स वाला। तो ऑप्शन नंबर बी पॉइंट कोण। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, फार्मर छेनी का क्या उपयोग है? इसमें जो होता है सब औजार के बारे में दिखाया गया है, ठीक, ये सब औजार हैं, उसका उपयोग पूछा है, क्या है सब? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करके, ठीक। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, किस प्रकार का अर्धलैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जाब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता हो? ऑप्शन नंबर है सी, मध्य लैप जोड़। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, 90 मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रेड बनाने के लिए किस प्रकार के नाच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वी नॉच। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? इसमें ऑप्शन नंबर है डी, सीट को क्षति से बचाना। अगला क्वेश्चन है लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? ऑप्शन नंबर है डी, अनियमितता। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, इस हथौड़े का क्या नाम है जो आपको दिखाया गया है हथौड़ा, इसका नाम इलेक्ट्रीशियन या इस विद्युतकार में आईटीआई करने वाले बच्चों के लिए इसका जो नाम होता है हैमर के रूप में प्रयोग करते हैं, हैमर कहा जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए है क्लाक हथौड़ा, या क्लाक हैमर भी कह सकते हैं, जो आपको दिखाया गया है हैमर, ठीक है, क्लाव हैमर भी कहा जा सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर है डी, कपिंग दोष उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, जस्ती सीट पाइप जोड़ में यक्ष के रूप में चिन्हित थ्रेड का क्या नाम होता है? ऑप्शन नंबर है डी, समांतर फीमेड थ्रेड। ये आपका फिगर दिया गया, इस पे क्रॉस ऐसे होता है, ठीक है, इस पे जो भी हम सामान रखते हैं वह क्या होता है, एकदम फ्लैट सीधा होता है, ठीक है, समांतर फीमेल थ्रेड। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नाच का प्रयोग किया जाता है? इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, सीधा नाच। एक क्वेश्चन और आया था जिसका वी नाच था, ठीक, इसमें क्या है, सीधा नाच। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, क्रॉस कट ठंडी छेनी का उपयोग क्या होता है या कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कीवेज काटने में। अगला क्वेश्चन है 900 मोड़ने हेतु किस प्रकार का नाच प्रयोग किया जाता है? ये देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर ए है वी नॉच। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग जस्ती आरी प्रयोग की जाती है? जिसके द्वारा लकड़ी काटा जाता है उस आरी का नाम पूछा है, जैसे सब लोग लकड़ी काटते हैं जिस आरी का, उस आरी का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी, की होल आरी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम बताइए, जो आपका है फिगर दिया गया है, एकदम लोहे का होता है, इसी के ऊपर कोई भी जाब रख करके सेंटर पंच द्वारा अंच किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, ब्लोन हार्न स्टेक। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, औजार का क्या नाम है जो आपके सामने फिगर दिया गया है, हथौड़े के नाम से आप लोग जानते होंगे, इसको हैमर कहा जाता है, इस आईटीआई क्षेत्र में जब आप आ जाते हैं तो इसमें क्या इसको बोलते हैं, हैमर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर है बी,
टैक्स हथौड़ा जिसको हैमर कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, चेन डीलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर है बी जालीदार छेनी। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टैपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सिमिमिंग करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर है सी ब्लो हॉर्न स्टेक। आपका आखिरी क्वेश्चन है 33 नंबर, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। शाखाओं में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी शाखाओं में वृद्धि। यह क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा गया था, जहां से शाखाएं निकली होती हैं वहीं पे गांठ बनता है लकड़ी में। ठीक, तो वह उल्टा क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया गया है, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा शाखाओं में वृद्धि। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। जो भी आगामी परीक्षाएं हो रही है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का, उसमें सब सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी में से ही आएंगे, आप इसको याद कर लीजिए। धन्यवाद।